बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखे हैं। साथ ही सरकार की योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंचने की बात कही है, जिसको लेकर अब कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वरुण गांधी 2024 चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला तो नहीं करने वाले, क्योंकि इससे पहले भी वरुण गांधी कई बार अपनी ही सरकार बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से पीलीभीत पहुंचे वरुण गांधी ने ऐसी कई बातें कह दी जो सीधे सीधे बीजेपी पर प्रहार है। दरअसल वरुण गांधी पीलीभीत में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में पहले तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और जनता के लिए अपने खून बहा देने की बात कह दी। आगे अपने संबोधन में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने जनता के साथ अपना रिश्ता गहरा और पुराना बताया। बोले, आप लोगों का मेरे पर हक है, इसलिए हमेशा आप लोगों के लिए लगातार आवाज उठाने का काम करता हूँ। वरुण गांधी ने इस तरह से एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए, जिसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि आगामी चुनाव 2024 भी नजदीक है। ऐसे में लगातार वरुण गांधी के बगावती तेवर कई आशंकाओं को हवा दे रहे हैं। वहीं वरुण गांधी के इस रवैये को बीजेपी किस तरह से लेती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी वरुण गांधी ने ऐसी बयानबाजी की है, पर बीजेपी द्वारा अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2024 चुनाव से पहले वरुण गांधी कोई बड़ा खेला भी कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।